सो फ्रांस दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। सो अभी हम आ गए अपने किचन रूम में खाना बनाने के लिए, और इधर हमारा हाग मस्त जल रहा है और हमारा चावल ना उबल चुका है, तो अभी मस्त उबल रहा है। और अभी मैं सब्जी नहीं काटी हूँ, तो चलिए अभी फटाफट से ना सब्जियाँ काट लेते हैं, और बाबू गया है खेलने के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ना सामान मन को अपने पास लेके आ जाती हूँ, और सभी सामान को मैं लेके आ गई हूँ। और सबसे पहले मैं ना आलू का छिलका निकाल लेती हूँ, और ना पतला पतला काटूंगी मैं, तो तल के बनाऊंगी ना, इसीलिए थोड़ा सा पतला पतला काट देती हूँ। और आलू अभी हो गया था तो काट ली थी, तो मैं इसको धो के निकाल भी ली। और इधर हमारा चावल भी हो गया था, तो चावल को भी निकाल के मैंने पसा दी हूँ। और इधर कढ़ाई अभी हमारा गर्म हो गया था, तो मैं तेल डाल दी हूँ। और इधर हम ना साथ में ही हरी मिर्च भी काटेंगे, और आलू को मैं डाल दी हूँ, तो हल्का हल्का फ्राई करके बनाऊंगी इसीलिए। तो अभी फटाफट ना हरी मिर्च को भी काट लेते हैं। और इधर हमारा ना हरी मिर्च भी ना हो गया है, तो उसको भी काट ली हूँ, तो अभी ना प्याज को काट लेते हैं। और इधर हमारा आलू भी हो गया था, हल्का हल्का ही फ्राई करना था, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही फ्राई करी हूँ। और मिर्च को भी थोड़ा थोड़ा फ्राई कर देते हैं। और इधर अभी हमारा मिर्च भी हो गया है, तो अपना थोड़ा सा बड़ी को भी हल्का हल्का फ्राई कर देते हैं कम तेल में इस तरीके से। और टमाटर को भी मैं निकाल ली हूँ काटने के लिए। और इधर अभी बड़ी भी निकल चुका है हमारा, हो गया है, तो उसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल दी हूँ और प्याज को भूंजने के लिए, तो हमारा हाग भी नहीं जल रहा है, ये दुगना पड़ता है। तो चलिए अभी मैं प्याज को डाल दी हूँ और प्याज को भूंज लेते हैं। तो प्याज हमारा हो गया था, तो मैं उसमें डाल दी हूँ बड़ी, आलू और मिर्च को, और साथ में ही मैंने टमाटर को भी डाल दी, ये देखिए। और अभी हम डाल देते हैं इसमें हमारा सब्जी मसाला, मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। और इसको मैंने ढक दी हूँ ढक्कन को, ढक्कन को निकाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर बन गया हमारा सब्जी। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी सब्जी हमारा बन चुका है, हरी मिर्च बड़ी और आलू की। सो ये देखिए, सब्जी हमारा हो गया है, सूखे में बनाई हूँ मैं, और मेरा ना तीखा खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने मिर्च को तल के बनाई हूँ बड़ी के साथ। और अभी मैं चढ़ाई हूँ पेज, पेज बनाऊँगी, खत्म हो गए हैं, और उधर चावल वगैरह है। सो सभी सामान को मैं ना रूम में ले जाती हूँ, तब तक इधर पेज भी होते रहेगा अपना। सो चलिए सब्जी वगैरह को ले जाती हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी हमारा पेज भी बन चुका है, ये देखिए पेज हमारा मस्त उबल चुका है। और मैंने पास लकड़ी लेके आ गई हूँ इसको सुखाने के लिए। सो हमारे पास का सारा सामान ले गई हूँ, और थोड़े से बर्तन हो गए थे, उसको मैंने धो ली हूँ। सो चलिए अभी पेज को उतार कर ना लकड़ी को सुखा देते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से। और आज का दिन थोड़ा सा बिजी रहने वाली हूँ, तो क्यों रहने वाली हूँ आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी मैं निकाल रही हूँ अपना कपड़ा मन, तो बोरिया भी सर बांधना पड़ेगा मेरे को आज, तो सारा कपड़ा अभी मैं निकाल रही हूँ। तो इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि अभी दिवाली है ना, तो इसीलिए पूरा रूम को हम लोग चमकाने वाले हैं, वाइट वाइट करने वाले हैं, तो एकदम हो गया है ना हमारा रूम, तो चूना वगैरह कुछ भी नहीं पोते हैं, तो अच्छा नहीं दिख रहा, तो इसीलिए इस कपड़ा मन को निकाल रही हूँ। और कपड़ा को ना यहाँ पर मैं बांध देती हूँ, और इधर अभी सारा कुछ निकलेगा, इधर का भी पूरा निकलेगा, झोला वगैरह सब कुछ निकालूंगी, देखिए एक साइड में कर दूंगी। फिर भैया मनाने वाले हैं दो जन, तो वो मन कर देंगे, यहाँ पे चूना पोत देंगे, क्योंकि ऊपर ऊपर में है ना मेरे से नहीं होगा, इसीलिए तो भैया मना रहे हैं। और यहाँ का कैलेंडर वगैरह सब कुछ निकलेगा, और मैं ब्लैक बोर्ड को निकाल रही थी बट वो नहीं निकल रहा था। सो फ्रेंड्स, दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई है। सो अभी हम कर रहे हैं अपने रूम को ना अच्छे से चूना के साथ फोतई करेंगे, तो दो जन आए हैं, उन लोग फोतई कर दे रहे हैं, क्योंकि मेरे से तो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर चढ़ना रहता है ना, इसी वजह से। तो दो जन आए हैं, तो उन लोग कर दे रहे हैं, और मेरे को ना सामान मन को सकलने में ही पुर रहा है, तो ये वाला सामान को इधर ले जाओ, वो वाला सामान को इधर लाओ। अभी एक ही रूम में पूरा किचन रूम सब कुछ एक ही रूम में है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। सामान मन को इधर उधर बाहर निकाल दी हूँ मैंने बाकी सामान को, और बाकी सामान को साइड में करी हूँ, और एक साइड में कर रहे हैं, तो चूना पोत रहे हैं। सो थोड़ा सा बिजी रहने वाली हूँ, सो जितना होगा उतना मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगी। सो चलिए अभी चलते हैं, वो सामान मन को इधर उधर कर देना है, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
सो फ्रेंड्स, ये देखिए अभी पोत दे रहे हैं, अंदर में एक जन है और बाहर में एक जन पोत दे रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए अभी उधरी ओची पास पोते कर रहे हैं, मतलब इधर नहीं हुआ है अभी, तो इधर भी करेंगे। और हमारा रूम आप लोग देख सकते हो पूरा बसड़ मचा हुआ है, ये देखिए पूरा एकदम कचरा सा हो गया हमारा रूम। सो फ्रेंड्स, इधर का हो गया है, इधर पोत लिए हैं और इधर बाकी है, बचा हुआ है। सो चलिए अभी ना बाहर गए हैं, तो मैं अभी थोड़ा सा ट्राई करती हूँ, तो मैं अभी थोड़ा सा पोत लेती हूँ। और इधर बाकी सामान को मैंने ढक दी हूँ, ये देखिए झिल्ली को ढक दी हूँ क्योंकि वाइट वाइट एकदम से हो रहा है ना इसीलिए। और इधर बाकी सामान पड़ा हुआ है, इधर नहीं हुआ है ना, सो फिर इधर भी फाइनली कर लेते हैं, फिर दिखाऊंगी मैं, ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखा पा रही हूँ। सो चलिए अभी हम भी ट्राई कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इधर हमारा हो गया चूना पोत दिए, तो इस साइड में कर ली हूँ अब मैं सारा सामान को, और पूरा हमारा गैस वेस में पूरा चिट्टा लग गया वाइट वाइट। तो और हेलमीरा में भी ये देखिए, और मैंने हेलमीरा को ये पास सेट करने के लिए बोली, वो पास बहुत ज़्यादा चूहा मन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, इस तरीके से बनाने के लिए बोली मैं उनको। और नीचे में आप लोग देख सकते हो पूरा एकदम कचड़ा हो गया, पूरा बसड़ मचा हुआ है। और अभी ये देखिए पूरा ये सामान मन को मेरे को समेटना पड़ेगा, तो बहुत ही ज़्यादा कचरा हुआ है वैसे। तो इधर अंदर में हो गया है फाइनली, अभी पूरा मतलब सभी तरफ ना अच्छे से चूना पोत दिए हैं और सामान मन तो पूरा एकदम हो गया है। और अभी बाहर में थोड़ा सा बचा हुआ है, तो वो बाहर में कर दे रहे हैं। सो ये देखिए पूरा वाइड वाइड ना अच्छा दिख रहा है अब। सो फ्रेंड्स, फाइनली पोते कंप्लीट हो चुका है। सो ये देखिए सभी तरफ अपना चूना अच्छे से पोत दिए हैं, और इधर अलग कलर था ना, तो इधर भी वाइट ही लगाने के लिए बोली मैं, तो अब सही है एक ही कलर रहेगा तो फिर अच्छा है, नहीं तो फिर दो दो कलर अच्छा नहीं, इसलिए मैंने वाइट ही कलर लगाने के लिए बोली। बट तो अलग अलग का पता चल रहा है, तो कोई बात नहीं। सो इधर मैं ना एलमीरा को ना ये पास सेट कर ली हूँ, क्योंकि वो पास ना बहुत ज़्यादा चूहा मन परेशान कर रहे थे ना, इसी वजह से मैंने ये पास सेट करने के लिए बोल दी हूँ। और अभी ना मेरा तो हालत ख़राब होने वाला है, क्योंकि सामान मन पूरा इधर उधर हो गए हैं और इसको समेटने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ, तो सभी तरफ इधर भी सामान पड़ा हुआ है और इधर भी, तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें ना। बाबू मैं चल के जा रहा हूँ, बाबू खेलने जा रहा है। और ना पापा भी आ गए थे, तो फिर उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा, फिर अचानक से कॉल किए थे, तो फिर उनके लिए खाना बना दी और खाना वगैरह खा के अभी चले गए हैं। और जिस टाइम आए ना उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाई। सो सब्जी वगैरह ला दिया, मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊँगी या फिर कल दिखाऊँगी फुर्सत में, क्योंकि अभी शायद ही मेरे को टाइम मिलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कचरा भरा हुआ है इधर है और मेरे पीछे में भी है पूरा सामान है, कपड़ा वगैरह सभी को मैं ना एलवेरा से निकाल ली हूँ, तो सभी को भी फिर से सेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम लग जाते हैं अपने काम में, और एलवेरा पूरा चूना चूना हो गया है, देखिए वाइट वाइट, तो इसको भी साफ सफाई करना है। तो चलिए लग जाती हूँ अपने काम में, और अभी टाइम हुआ 3:30 हो गए हैं, और अभी हम कर रहे हैं एलमीरा की सफाई। तो पूरा अंदर में भी एकदम सा हो गया था, तो अंदर में भी बहुत दिन हो गए मैं सफाई नहीं करी थी, तो अंदर में भी सफाई कर देती हूँ। और बाहर में तो पूरा वो पूरा चिट्ठा लग गया था ना वाइट वाइट, इसलिए मैं बाहर में भी आईना वगैरह को अच्छे से पोंछ दे रही हूँ इस तरीके से। और इधर आप लोग देख सकते हो फाइनली मैं थोड़ा सा सामान को ना जमा ली हूँ, और अभी बहुत सारा सामान है जिनको मेरे को ना जमाना है, इस तरीके से सेट करना है। और इधर भी बाकी सामान को मैं सेट कर ली हूँ, और एलमीरा में भी अपना कपड़ा वगैरह डाल दी हूँ, ये देखिए तो थोड़ा बहुत ही सेट कर पाई हूँ मैं। और बाबू का फ़ोटो है इधर, चत्ता वगैरह है,
इधर मेरी छोटा सा मंदिर है तो उसको भी मैं सजा ली हूँ। और ये पास पूरा कचरा हो गया है तो अभी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है, तो कल करेंगे जो बचा हुआ वाला को। सो फ्रेंड्स अभी हो गई है शाम, टाइम हुआ है 5:30 हो गए हैं और खाना अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं सामान मन को अच्छे से नहीं रख पाई हूँ तो जितना हुआ उतना मैं रखी हूँ और आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा। सो फिलहाल जितना बचा है ना उतना मैं कल कर लूँगी। अभी जो जो मेन सामान मन था उसको तो मैं रख ली हूँ और थोड़ा बहुत बर्तन मन को नहीं जमा पाई, जैसे कि पानी वगैरह रखने के लिए मैंने वहाँ पे जमाई थी ना वो सब नहीं कर पाई, तो कल करेंगे वो सब। अभी हो गया है शाम और मेरा हालत देख सकते हो कैसे हो गई हूँ। और पापा भी आ गए थे ना एकदम से, तो फिर उनके लिए खाना बना दी और उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि इतना हड़बड़ी में बनाई कि क्या बताऊँ आप लोगों को। तो फिर वो आए और चले गए और सब्जी वब्जी ला दिए हैं, तो मैं आप लोगों को कल दिखाऊँगी कि क्या क्या सब्जी ला दिए हैं। और फिलहाल अभी बर्तन धोना है मेरे को, चूल्हा को भी मैं पोताई नहीं कर पाई हूँ तो चूल्हा भी जैसे का वैसा ही है। सो अभी बर्तन धोने के लिए मैं पानी के लिए आई हूँ, बाल्टी के पास रख दी हूँ, तो चलिए अभी पानी ले जाती हूँ और बर्तन धोती हूँ और इस ब्लॉग को करते हैं पे हैंड। सो आज का हमारा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।